तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजे क्लासेस में। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स के सेक्शन को पूरी तरह से शुरू करेंगे। और जैसे आपने देखा पॉलिटी हमारा पहला लेक्चर, जिसमें मैंने पॉलिटी को बताया कैसे हम पॉलिटी को पूरा अच्छे से कवर करेंगे, कौन कौन से वहाँ पर चैप्टर होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने डिटेलिंग करी है और आपने पसंद भी किया, पर उतना नहीं जितना हर वीडियो पसंद करते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आप शेयर करें। आप मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ भाई, कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, बस आप शेयर करते रहिए, वीडियो शेयर करें। यदि आप देख रहे हैं तो बिना शेयर करे मत जाइए, क्योंकि हमारी फैमिली भी छोटी है। देखो मोटिवेशन चाहिए होता है, यदि मोटिवेशन नहीं होगा ना तो मज़ा नहीं आएगी। बाकी आप जितना सपोर्ट करें उतना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आज के पॉलिटी वाले जो वीडियो है ना उसमें भी कमेंट कमाए हैं, ठीक है, तो कमेंट भी करिए। यानी हम मैंने पॉलिटिक्स में बताया, आपके मन में कोई प्रश्न ही नहीं आया, ये ही आपकी गलतफहमी है। और बिना सोचे समझे आप जब डिसीजन लेते तो नुकसान उठाते, इसलिए जो मन में प्रश्न आ रहे हैं उसको जाकर रखिए, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी, हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे कि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पर लूप होल कर रहा हूँ और किस लेवल पर मुझे लेके चलना है। ओके, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ का सेक्शन, ठीक है, मैथ्स पूरी शुरू करेंगे, ठीक है। मैथ आपको मैं बता दूं 40 नंबर का मैथ आता है, किसमें, यूपी एसआई में, और 40 में 40 किए जा सकते हैं यदि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है। ओके, बहुत स्टूडेंट करते भी हैं, यदि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है तो 40 में 40 किए जा सकते हैं। आपको पता है कि मैथ का जो सिलेबस है उसमें परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हो गया, CI, SI, टाइम एंड वर्क, फिर ट्रेन वाले सवाल हो गए, इधर टाइम एंड वर्क हो गया, इधर पाइप एंड क्रिस्टल होता है, ठीक है, नल वाले सवाल हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस वाले सवाल हो गए, फिर इसके बाद हमारे पास एवरेज हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास हो गया पार्टनरशिप हो गई, फिर इसके बाद हमारे पास होगा मिक्सर एलिगेशन जो मैंने पढ़ा दिया है, इसके बाद LCM और SCF, ओके, और उसी में फिर एडवांस का भी पोर्शन। तो इतने सारे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, और जो यदि मान लो यहाँ कहीं छूट उठ गया होगा तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा, इस वाले पोर्शन से, टाइम एंड, देखो टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया है, ओके, तो टाइम एंड वर्क मैंने कवर किया है। मैं कहाँ से शुरू करने आ रहा हूँ, मैं शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ से। अब आप कहेंगे सर ये चैप्टर उठाने का क्या आपका मकसद है और आपकी इस चैप्टर के पीछे सोच क्या है। वैसे सोच से तो मुझे ज़्यादा मतलब है नहीं, पर मैं इस चैप्टर को क्यों उठा रहा हूँ, रीज़न क्या है कि जो UPSI का जो हिसाब है ना, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये जो डिस्काउंट वाले सवाल है, बहुत नॉर्मल सवाल आते हैं वहाँ पर UPSI में, आप कर लेंगे यदि आपने बैक एयर का क्वेश्चन देखा। पर यहाँ पर जब LCM SCF आप पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे और मिक्सर एलिगेशन पार्टनरशिप यदि आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छा मिलेगा, प्लस मेंसुरेशन ये 2D वाले जो सवाल होंगे वहाँ से भी क्वेश्चन आपको अच्छा मिलेगा। तो मैं ऐसे सेशन पे, देखो LCM SCF जब मैं कराऊंगा तो आपको कैलकुलेशन की हैबिट पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रिकें लगती हैं, पर यहाँ आपको कैलकुलेशन करना, और बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने मिले, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो इसलिए हम यहाँ पर SCF और LCM और SCF शुरू करने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको चीज़ें बढ़िया से लर्न होंगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेशन के लिए हम लोग कुछ करेंगे। देखो एक चैनल है हमारा AJ लाइव करके, इस पर हम लोग सोच रहे हैं, मैं अभी सोच रहा हूँ, बाकी आपकी राय में मान चाहता हूँ। AJ लाइव पे हम लोग टेस्ट लेने की सोच रहे हैं, जैसे मान लो 20 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया, जैसे हिंदी का हो गया, GS का हो गया, पॉलिटी का हो गया, ओके, तो इस तरह के मैं टेस्ट शुरू करने की बात कर रहा हूँ, वो भी लाइव सेशन में, ठीक है, लाइव सेशन में शुरू करने की बात कर रहा हूँ। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे हिंदी हो गया, पॉलिटी हो गया, मूल विधि हो गया, ऐसे क्वेश्चन पे यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भाई AJ लाइव आप लिखिएगा, नीचे AJ लाइव लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अगले वीडियो में उसकी टाइमिंग में आपको बता दूंगा कि किस टाइम, क्योंकि देखो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मगर पढ़ने साथ यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो सब बेकार है, बिल्कुल वेस्ट है एकदम। इसलिए मैंने कहा कि प्रैक्टिस भी मैं साथ में शुरू करूंगा, 20 ही क्वेश्चन करूँगा, 25 क्वेश्चन टारगेट करूंगा कि 25 क्वेश्चन में एक सेशन में लो,
जैसे आप लोग डिसाइड करेंगे, एक टाइम बताएंगे उसमें लाइव आकर के हम लोग वाले क्वेश्चन को वहां पर करेंगे। ओके ठीक है, चलो हमने बहुत सारी बातें कर ली इसमें, अब हम लोग शुरू करते हैं एचसीएफ बोर्ड एलसीएम। बाकी इस पर मुझे आपकी कमेंट चाहिए एजे लाइव पे, क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में। प्रैक्टिस करनी है तो बोलिएगा, नहीं करनी तो कोई बात ही नहीं। एलसीएम एचसीएफ बचपन में खूब पढ़ा है, एलसीएम और एचसीएफ लोअर कॉमन फैक्टर एचसी एलसीएम हो गया ठीक है, और हायर मैंने लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक ऐसे हमने पढ़ा है ना, हायर कॉमन फैक्टर ऐसे पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अब देखो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है ये सबको पता है। एलसीएम कब निकलता है, जब हम लोग न्यूनतम संख्या लेते हैं। ऐसे बहुत सारे अभी मैं सवाल करवाऊंगा जो आपको आपकी बुद्धि खोलेंगे। एलसीएम कब इस्तेमाल होगा ध्यान रखना, एलसीएम की जो कीवर्ड होती है वो है न्यूनतम। जहां न्यूनतम की बात करेगा वहां एलसीएम का यूज होगा, और जहां अधिकतम की बात करेगा वहां पर किसकी बात होगी, एचसीएफ की बात होगी। इसका यूज करना मैं बताऊंगा, आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान ना होना ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ हो गया, अब तो हमने ध्यान दिया एलसीएम एचसीएफ होता क्या, अब थोड़ा आराम से मैं बताऊंगा क्योंकि आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर परेशानी होगी आपको। देखो कुछ एक फॉर्मूले मैं बताऊंगा जिसको जिसका मैं बार बार इस्तेमाल करने वाला हूं। जैसे मान लो पहले तो सबसे बढ़िया सबसे पहला यानी जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू। ओके एक तो फॉर्मूला ये होता है जिसका मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। दूसरा फॉर्मूला एक होगा एलसीएम इक्वल टू होगा एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ठीक है, मतलब एचसीएफ और जो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कितनी हो सकती है, दो संख्या होती है हमेशा, तो एलसीएम यदि मान लो किसी सवाल में दिया है कि मान लेते हैं कि नहीं दो संख्याओं का एलसीएम इतना दिया हुआ है और एचसीएफ इतना दिया गया है और बताइए कि वो संख्या क्या होंगी, वो संख्या क्या होंगी, तो उसमें यहां पर ये यूज करेंगे। एलसीएम हो गया एचसीएफ हो गया, तो अभी इस वीडियो में हम लोग केवल इन्हीं दोनों पे बात करने वाले हैं, उन्हीं से हम लोग सवाल करेंगे और अच्छे अच्छे सवाल होंगे। सवाल के लिए आपको सुनना बहुत ध्यान से ठीक है, क्योंकि मैं लिखूंगा तो आपका समय बर्बाद होगा और मुझे विश्वास है यदि आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर यानी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है, 864 ठीक है, 864 है और मासा 144 ठीक है। बोल रहा है कि इसमें से पहली संख्या 288 है, तो सेकंड संख्या बताइए। अभी मैंने आपका एक फॉर्मूला बताया कि L गुणे एच बराबर क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। L होता है लघुत्तम समावर्तक और H क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कुछ दिख नहीं रहा है क्या, कुछ चीज़ें अच्छा कुछ यहाँ पर थोड़ी लाइट पड़ रही, ओके कोई दिक्कत नहीं है। जो एलसीएम है वो दिया है 864, यहाँ पर यहाँ प्रॉपर दिख रहा होगा है, हाँ ठीक ओके। तो ये हो गया, अब यहाँ पर फॉर्मूला हम पुट करते हैं। ये सिंपल से एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एल हमारा पास कितना है 864 और एच हमारे पास कितना है भाई 144 और पहला नंबर कितना है 228 और दूसरा नंबर हमें बताना है। तो हमें पता है ये कितनी बार जाता है, दो बार, ये कितनी बार जाएगा, 432 यानी सेकंड नंबर हमारे पास कितना होगा 432। बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल ऐसे सवाल भी आ सकते हैं ओके। ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको देखो क्लियरिटी हर चीज में होनी चाहिए। लोग कहते हैं मुझे एलसीएम और एचसीएफ आता है, परेशान ना हो, आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना जो कान से धुआं निकल जाएगा, ऐसा कंफ्यूजन आपको आपको अभी दिखाऊंगा क्या इससे कहां पर कौन से क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अभी इंतजार कर दिया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, दो संख्याओं का लासा 225 और मासा कितना है 5 है, लासा कितना है 225 और एचसीएफ कितना है हमारे पास 5 है। बोला है कि पहली संख्या कितनी है 25 है, यानी फर्स्ट संख्या कितनी है 25 है, तो सेकंड संख्या फाइंड करो। फिर से फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू एच यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एल का कितना भैया, भैया 225 इंटू एच कितना है 5 है, फर्स्ट टर्म कितना है 25, सेकेंड टर्म हमें बताना है, तो 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार जाएगा, 5 से इधर काटेंगे तो 5 5 चौक 20
और कितना 25, तो सेकंड टर्म क्या हो गया 45। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ये तो बहुत कहोगे सर बहुत ही हल्का करवा रहे हो, अरे ठीक है अभी, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनका बेसिक भी नहीं तैयार है और बहुत से बच्चे हैं जो बेसिक तैयार करेंगे, तो उनके लिए और आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। ओके, सवाल को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सवाल बोल रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लासा 13 और 455 है। दो संख्या है जिनका लासा, सॉरी यानी मासा जो है 13 है और लासा कितना है 255। सवाल ध्यान सुनना, ठीक है, फिर बोल रहा है 13 और 455। ओके, यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में हो तो वो संख्या क्या होगी। सवाल क्या बोला, एक संख्या का मासा 13 लासा 475, यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच में हो तो संख्या बताओ। अब देखो ये सवाल आया, ये है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अच्छे नहीं बोलेंगे, ठीक लेवल है, यहां से हमें थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग अब लगाना पड़ेगा। अब यहां पर मैं कुछ चीजें और बताऊंगा जो आपको पकड़नी पड़ेगी इस सवाल को करने के लिए। अब हमको ये बताओ, दो संख्याएं जैसे एक संख्या मान लो 4 है और एक संख्या 8 है, यदि इसका हम लासा निकालेंगे कितना आएगा भाई, 32 आएगा। कितना आएगा 32, ऐसे तो निकालते हो ना, 4, 8, 2, 4, 2, 1 और 2 और फिर 2, ठीक है, कितना आएगा भाई, अरे यार 32 निकाल दिया क्या, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, मान लो 8 आएगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग 32 मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, माफ़ करिएगा, हो जाती छोटी छोटी गलतियाँ। हाँ, वीडियो शेयर कर देना, ओके, गलती होगी मैं शेयर कर देना। तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, मतलब दो नंबरों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, मिनिमम पॉइंट होता है। मिनिमम पॉइंट मतलब जब तक यहाँ पर एक नहीं हो जाता वो हमारा क्या होता है, मिनिमम पॉइंट होता है। पर एचसीएफ में ऐसा नहीं होता, एचसीएफ मतलब वो हाईएस्ट टर्म, कितने से ज़्यादा ज़्यादा वो नंबर होगा जो वो कैंसिल आउट करेगा। अब यदि ये बताओ, ये तो हमारी एलसीएम हो गई, और एचसीएफ हम जानते हैं हायर कॉमन फैक्टर होता है। अब एचसीएफ की एक परिभाषा और देता हूं, उसको आप कहीं लिख लीजिएगा, वो आपके बहुत काम आएगा। एचसीएफ हमेशा दो संख्या का अंतर होगा या उस संख्या का गुणज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, या तो वो संख्या क्या होगी अंतर होगा, या तो वो संख्या उसकी क्या होगी गुणज होगी। जरा इस चीज को हम थोड़ा भी समझते हैं, गुणज का मतलब क्या होता है। अब जैसे यही सवाल हुआ, ये नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना, अपने पास कहीं रख लेना। अब उस सवाल को मैं थोड़ा सा उठाता हूं, 75 और 25 के बीच में, ये याद रखना, ठीक है, 75 और 25, 125 के बीच में संख्या आनी चाहिए, तभी मान्य होगा। अब हमको बताओ, माना संख्या, दो संख्या होती ना x और y है, ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या क्या है x और y, ध्यान समझना, बस x और y का थोड़ा सा मैं इस्तेमाल करूंगा। अब ये बताओ कि मैंने बोला है कि जो मासा होगा या तो वो संख्या का अंतर होगा, या तो वो संख्या का क्या होगा अंतर होगा, तो इसका अंतर तो निकाल नहीं पाओगे, या तो फिर क्या होगा गुणज होगा। अब गुणज क्या होता है, पहले मैं तुमको बताता हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं 2x है, तो ये 2 क्या होता है, x का गुणज होता है, होता कि नहीं होता। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना 2x² प्लस का 3y प्लस का 8 मान लेते, तो y का गुणज कितना होता है 3 और x का गुणज कितना होता है 2, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। तो ये बताओ हम यहाँ पर क्या अंतर निकाल पाएंगे, क्या अंतर तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम गुणज लेंगे। तो मासा क्या होता है, गुणज होता है, तो मासा 13x और 13y होगा कि नहीं होगा, ये मुझे बताओ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ओके, कॉन्सेप्ट पकड़ना, सवाल बहुत बढ़िया। अब हमको ये बताओ, हमने एक फॉर्मूला बताया था एलसीएम इक्वल टू बताया था एचसीएफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं का गुणनफल। अब एचसीएफ कितना है भाई, एचसीएफ हमारे पास कितना है 13 है, कितना है 13 है, प्रोडक्ट कितना है एक्स और वाई रख दो, और एलसीएम हमारे पास कितना है भाई 455, कितना है 455, जरा इसको काटो जरा कटेगा
तेरह तेरह उनतालीस और छह बचेगा तेरह पच्चे पैंसठ, तो कितनी बार एक्स और वाई कितना आ गया पैंसठ। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके, अब हमको देखना है कि ये पैंतीस, जो पैंतीस हमने लिया इसके कितने गुणज बन सकते हैं, कितने फैक्टर। अब देखो पैंतीस का जो फैक्टर बनेगा, एक तो पांच और सात बन सकता है और दूसरा एक बन सकता है पैंतीस और एक, दो फैक्टर इसके बन सकते हैं, दो ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा बन नहीं सकते, ठीक है, दो ही बनेंगे। क्या ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें जो संख्या चाहिए। अब देखो यहां से तो संख्या निकलेगी ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई ऐसे लेने चाहिए जो पैंतीस के आसपास, पैंतीस के मल्टीपल होने चाहिए। अब तुम कहोगे ये क्या हमारा आंसर है, आंसर किसका आना चाहिए, पिछहत्तर और एक सौ पच्चीस के बीच में आना चाहिए। अब हमको ये बताओ, यदि हम पैंतीस ले लें और एक ले लें, पहले हम चेक करेंगे हमारा गुणज कितने ये हैं, और लासा जो संख्या हमेशा होती है भाई गुणज में होती है। अब यहाँ पर हम यदि संख्या रखेंगे x की वैल्यू, तो 13 गुणे 35 रखेंगे और 13 गुणे 1 रखेंगे, तो भैया ये तो 125 ऊपर निकल जाएगी, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसको चेकआउट करेंगे तो भैया क्या होगा, 13 गुणे 5 और 13 गुणे 7, तो 13 पचे कितना होता है पैंसठ और 13 सत्ते कितना होता है इक्यानवे होता है क्या, सात इक्कीस हासिल दो सात एवं सात दो नाइनटी वन, ठीक है, तो भैया कितना हो गया पैंसठ और इक्यानवे। और देखो सवाल में क्या बोला था, जो संख्या होनी चाहिए वो पिछहत्तर और एक सौ पच्चीस के बीच में है, क्या ये पिछहत्तर एक सौ पच्चीस के बीच में नहीं है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई, उम्मीद है ये बात तुम्हें समझ में आ गई होंगी। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पकड़ना होगा, दो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताए कि जो मासा होता है वो हमेशा संख्या का क्या होता है, गुणज होता है या तो अंतर होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने पुटअप किया है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसको तुम अंडरलाइन कर लेना, इसका इस्तेमाल मैं बहुत बार करूंगा, ये शायद ही तुम्हें किसी ने बताया हो, नहीं बताया मुझे नहीं पता, पर मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एचसीएफ का शुरू कर दिया, दो टाइप बताए, एक टाइप मैंने सिंपल वाला बताया फर्स्ट एंड सेकेंड एलसीएम इंटू एचसीएफ, और एक टाइम मैंने इसको बताया कि भैया जब एलसीएम दिया हो और एचसीएफ दिया हो और संख्या बोल दे ऐसा, तो सवाल कैसे हल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम की शुरुआत। देखो वैसे भी ऑलरेडी 17 मिनट का ये हो गया, मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता, ज़्यादा लेंदी कर दूंगा आप बोर होने लगेंगे, ठीक है, मगर मुझे पढ़ाने बड़ी मजा आती, मैं तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे आपको पढ़ा दूँ, ठीक है, करेंगे व्यवस्था करेंगे, लाइव क्लास का हम लोग व्यवस्था करेंगे, देखेंगे कैसे हो सकता है। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद कर रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दें, शेयर जरूर करें, ठीक है, और चैनल पे यदि पहली बार सब्सक्राइब करके आना, भैया 10 दरोगा का इंटरव्यू लेना है मुझे, कितने का 10 का, याद रखो, क्या उन 10 में तुम आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, ये तुम डिसाइड करो बेटा, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, और वीडियो शेयर नहीं करो ना, कसम है तुम्हें वर्दी की, कसम है वर्दी की, पाप लगेगा तुम्हें, ओके, ठीक है। हाँ, वो जो मैंने बोला था एजी लाइव वाला, जो हमने बोला था लाइव टेस्ट की बात जो की थी, उसके बारे में मत भूलिएगा, उसके बारे में बताना, बताइएगा कैसी आपकी राय है, क्या आप सोच रहे हो, ओके, तो इस वीडियो में इतना। वीडियो, हाँ, वीडियो अपलोड कब होगा, 12 बजे दिन में 12 बजे वीडियो अपलोड होगा और 9 बजे पॉलिटी अपलोड होती है, ठीक है, पॉलिटी का लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच।